बाजार में बुलेट उठा पटक दिए, दो चार हजार लोग ऐसे देखे चलाएंगे भैया ये लो। और लड़का बॉडी वॉडी बनाकर सुबह सुबह टी शर्ट उशर्ट पहन के बैठे हुए, जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतना सामान्य बनकर रहो, साइकिल से चलो और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे, सारी दुनियादारी छोड़ दो, पागल बन जाओ। लड़कियों को तो और आसान है, बाल खोल के आगे करके ऐसे लगे चल जाए। इस दिमाग का अगर तुम इस्तेमाल अपने विकास के लिए नहीं कर सकते तो तुम में और उस जानवर में फर्क ही क्या है। जय हिंद फ्रेंड्स। अपना गोल किसी को मत बताओ, साधारण बनकर रहो साधारण, जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतना सामान्य बनकर रहो, साइकिल से चलो, चेकबुक लेकर और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे, लेकिन चलो साइकिल पर और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। ताज होटल में एंटर किए और उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी, तुमने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की, अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आज का डिनर यहीं करेंगे, तब तो मजा जिंदगी का। और तुम 20,000 का जूता पहने हो, 50,000 की घड़ी पहने हो और डायबिटीज के पेशेंट हो, आज यही तो हो रहा है। आज क्या हो रहा है, लड़के फेशियल करा रहे हैं, लड़के फेशियल करा, एलमंड मास्क लगवा रहे, एलमंड लेटे हुए नाचने जाओगे? नहीं नहीं, तब तुम वहां देखो मोती झील पे सुबह सुबह लड़के एक्सरसाइज करते हैं, मेरे ख्याल से सारा इंस्ट्रूमेंट है वहां पे, जो छोटा सा वो मंदिर बना हनुमान मंदिर, सारा इंस्ट्रूमेंट वहां पे है। और लड़के बॉडी वॉडी बना के सुबह सुबह टी शर्ट उशर्ट पहन के बैठे हुए, नहीं पढ़ाई हो रही ना, यही सब करो, बाजार में बुलेट उठाक पटक दिए, दो चार हजार लोग ऐसे देखे चलाएंगे भैया ये लो, कुछ तो करो। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, P = P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। एक साल यार, अगर तुम 14 साल जीवन में आइसोलेट रह लो तो तुम भगवान बन जाओ। रामचंद्र जी इसी का तो उदाहरण है, तुमसे कौन भगवान बनने के लिए कह रहा है, तुम बस एक साल आइसोलेट रह लो, एक साल, और तुम आईएएस बन जाओगे। एक साल सारी दुनियादारी छोड़ दो, पागल बन जाओ, उल्टी सीधी बात करो लोगों से। लड़कियों को तो और आसान है, बाल खोल के आगे करके ऐसे लगे चल जाए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, तुमसे डर के मारे तुम्हारे करीब कोई नहीं आए, 2 महीने में एक बार कर दो, डेली मत करना, पता लगा डॉक्टर के पास ले जा रहे, इलाज करा रहे, झाड़फूक का, और माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके उनको बता के कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, और उसी में जो तुम जिससे तुम सबसे ज्यादा चिढ़ती हो उसी को उठा के 2-3 जूता मार दो खींच के, मार डालूंगा मार डालूंगा, डालूंगी नहीं मार डालूंगा। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ऐसी कोई कहानी सुना दो तुमसे वैसे ही लोग दूर रहेंगे, जो ज्यादा बैठ के तुमसे दुनियादारी करे उससे ऐसे धीरे धीरे आंख चढ़ा के देखना शुरू करो, समझ जाएगी आ रहा है। तो समझ जाएंगे आ रहा है। अच्छा दीदी चले, हाँ जाओ जाओ। और लड़कों के पास सबसे अच्छा हथियार क्या है, पैसा मांग लो, जो तुमसे ज्यादा मिले 10,000 मांग लो कि 10,000 दे दो यार, कोचिंग का फीस जमा करना है, 2 साल बाद दे देंगे, ना मिलने आए फोन करो
लड़ाई मत करो किसी से। इस दिमाग का अगर तुम इस्तेमाल अपने विकास के लिए नहीं कर सकते तो तुम में और उस जानवर में फर्क ही क्या है? इतना बड़ा लिए घूम रहे हो आम ब्रह्मास्मि कहते हुए, तो लगाओ ना अपने हित के लिए। कौन मना कर रहा है? गांव में रहते हो, किसी पेड़ के नीचे बैठ के सोचो, पूरी हिस्ट्री कनेक्ट करते हुए चले आओ। और गांव वाले अगर पूछ ले कि काहे यहां दिन भर लेटे रहते हो भैया, तो इस पेड़ पे एक छुड़ैल रहती है, बस हमारे सामने आके नाचती है वो, लोग सोचेंगे पगला गया ही। तुम्हारे पिताजी से कहेंगे मना कर रहे थे, मत तैयारी करवाओ, तुम मान नहीं रहे थे। और खुश भी हो जाएंगे कि जो आदमी पागल हो गया उसका सिलेक्शन कहां से होगा। सबसे बड़ा मजा दुनिया में पता है क्या? बेवकूफ बनकर रहने का। उससे बड़ा कोई मजा ही नहीं। कि अच्छा भैया ट्रेन कैसे चलती है भैया? और तुम तब जान के जब लोगों से पूछते हो और वो तुम्हें समझाते हैं तो इतना मजा आता है। सबसे बड़ा मजा है बेवकूफ बन के रहने का। उससे बड़ा कोई मजा ही नहीं। तुम्हें कोई छेड़ेगा ही नहीं, तुम्हें कोई छेड़े, जब तुम नेता बनते हो तब छेड़े जाते। जैसे हम क्यों छेड़े गए? हम नेता बन रहे थे कि हम युवाओं को जगाएंगे, हम इनको सोचना सिखाएंगे। बोले सिखा, लेकिन तब पर मेरा ही फायदा हुआ, उसमें भी मेरा ही फायदा है। अभी तक जो लोग नहीं जान रहे थे वो भी जानने लगे, और कम से कम एक वीडियो देखेंगे तो बाकी भी तो देखने जाएंगे। और मैंने इतना मजा लिया तारीफ सुनने का, अब गाली सुनने का मजा कौन लेगा? एक राजा के पास एक सेवक था, वो राजा उस अपने सेवक को बहुत मानता था, बहुत अपने साथ खाना खिलाता था, अपने साथ रखता था, अपने साथ घुमाता था, बहुत मानता था। एक दिन राजा और सेवक जंगल में जगह शिकार करने का और भटक गए, और दोनों को भूख लग गई। एक पेड़ दिखाई पड़ा, उसके फल लटका हुआ था। राजा ने फल तोड़ा, काटा, काट के एक टुकड़ा उसको दिया अपने सेवक को। उसने कहा यार एक और दे दो। ऐसे वो मांगता गया, अंतिम में राजा के हाथ में सिर्फ एक टुकड़ा बचा। राजा ने कहा भाई इतना मीठा है, हमको भी खाने दो भैया, हम भी भूखे हैं। तुम कैसे लालची आदमी हो यार, पूरा फल खाए जा रहे हो, एक टुकड़ा बचा वो भी खा लोगे। उसने छीनने की कोशिश की, राजा ने नहीं छीनने दिया, राजा ने वो टुकड़ा मुंह में डाल लिया। और जब मुंह में डाला तो उल्टी कर दी राजा, इतना कड़वा फल, जहर जैसा। तो राजा ने उस सेवक की तरफ पलट कर देखा, कहा तू पूरा खा गया? तो उस सेवक ने कहा किस हाथ से इतने मीठे फल खाए हैं, अगर एक कड़वा भी खा लिया तो उसकी क्या शिकायत करना। तो जिन लोगों ने इतनी तारीफ की है अगर वो 10 गाली भी दे रहे हैं तो उनसे क्या कहना। वही लोग थे जो तारीफ कर रहे थे ना, वही आज गाली भी दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? दोनों का मजा लेना चाहिए। सिक्के की कीमत तभी है जब दोनों पहलू होगा, अगर एक पहलू होगा तो वो जाली सिक्का है। नहीं, सिक्के की कीमत तभी है जब दोनों, हो सकता है मेरे ही स्टूडेंट मुझे धमकी दे रहे हो कि देखें मास्टर वा क्या करता है, बहुत बोलता है, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे हो सकता है कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये मेरे ही स्टूडेंट को फोन मिला दिया सुबह 4 बजे कि निकलो, मैंने कहा आओ। हमारा करीब कोई नहीं आएगा, लड़ना तो पड़ेगा ही, तुम भाग ही नहीं सकते। मेरे दोस्त ने कह रहा यूरोप चले जाओ, जब मामला शांत होगा तब आना। कौन सा मामला, सब शांत है, इतना भी नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए। दिन हो रहा है तो रात भी तो होगी, तो बिल्कुल होगी।